चलिए फिर हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून सब्ज़ी मसाला, 1 तेज़पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, 2 ड्राई चिली, 2 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, फ्राई किया हुआ पनीर, 1 प्याज ग्रेट किया हुआ, 1 कप दही, 3 हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमेटो सॉस, सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस। हमने 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल दिया है इसमें, और जो खड़े मसाले हैं वो भी डाल दिया है। कार्डमम है 1, 2 इलायची, 2 ड्राई चिली, 1 तेज़पत्ता और लौंग है 2, और जो ग्रेट किया हुआ प्याज था वो भी डाल दिए है हमने। अब थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लिए हैं हमने इसको, और अब हम जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखा था हमने, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। देख सकते हैं आप, इसमें ऐड कर देते हैं वो। अब हम जो दही रखे थे इसको हम तो पहले 30 सेकंड तक मिक्स कर लेंगे, और जो दही रखे थे हम उसमें जो मसाले लिए हैं हम उसको मिक्स कर लेते हैं इसी टाइम पे। तो इसको मिक्स कर लिया और 30 सेकंड छोड़ देते हैं। जो मसाले हैं हम ऐड कर देते हैं दही में, अच्छे से ऐड कर लेंगे सब मसालों को, और जो नमक है उसको भी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ दही को। मिक्स कर लेंगे अब हम मसालों को। अब हम दही में थोड़ा चीनी ऐड कर देंगे, एकदम ही कम चीनी ऐड करना है हमको। अब हम मसालों को, दही को और चीनी को एक साथ मिला लेते हैं, और अगर थोड़ा सा पानी लगे तो आप लोग दे सकते हैं, मैंने भी यूज़ किया है। आप लोग को अगर ज़रूरत हो तो आप भी यूज़ करें। मैंने जो चिली रखा था वो ऐड कर दिया है, और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मैं। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ इसमें, और इसके बाद हम दही जो मसालों के साथ रखे थे उसको ऐड करेंगे इसमें। हम इसमें अब दही का जो मिक्सचर है वो ऐड कर दिए है, अच्छे से हम डाल देते हैं सब कुछ इसमें, और अब हम एक इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जो हमने सॉस रखा था उसमें टमेटो सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और चिली सॉस जो था वो 1 टेबलस्पून एक बोल में हम निकाल लेंगे, और फिर उसमें करीब से करीब 2 टेबलस्पून के आसपास हम पानी देंगे, और उसका मिक्सचर हम इसमें अब डाल देंगे। जो सॉस का मिक्सचर है जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला वो ऐड कर देते हैं, और एक बार इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको हाई फ्लेम में कर देंगे। और जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था उसको हम गर्म पानी में थोड़ा सा डुबो के रखेंगे, क्योंकि वो पनीर सॉफ्ट हो जाता है अगर आप गर्म पानी में उसको डुबा देते हैं तो। मैंने पनीर को 10 मिनट तक भिगो के रखा था, और अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी पनीर को, और अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी पनीर को एक बार। और गैस अभी भी मैंने हाई फ्लेम में रखा है। पनीर को एक बार मिक्स कर लेती हूँ मैं। गैस अभी भी हाई फ्लेम में ही है, आपको एक बार मैं दिखा भी देती हूँ। देख सकते हैं आप, गैस अभी भी हाई फ्लेम में है। अभी मैं कवर की सहायता से पनीर को ढक दूँगी, और जब तक ग्रेवी थिक नहीं हो जाता तब तक आप लोग इसको सर्व ना करें। दही पनीर का जो रेसिपी है बहुत ही अच्छा होता है खाने में, और आप लोग भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, पराठा, रोटी या फिर राइस किसी के भी साथ।
आप लोग इसको खा सकते हैं।